इंडियन प्रीमियर लीग, जहां एक खिलाड़ी रातों रात फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। आईपीएल के अब तक के 15 साल के इतिहास में कई दिग्गज खिलाड़ी खेल चुके हैं। हर साल आईपीएल से पहले हमें ऑक्शन का इंतजार रहता है। आईपीएल 2022 कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा 2008 के आईपीएल ऑक्शन की। 2008 में किन भारतीय खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा बोली लगी, चली जानते। 2008 का ऑक्शन पहला शुरू का ऑक्शन था। तब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े खिलाड़ी थे उन पर बहुत महंगी बोली लगाई गई थी। नंबर 3 पर आते हैं इरफान पठान। इरफान पठान 2008 के दौर में भारतीय टीम के काफी बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी हुआ करते थे। 2008 की आईपीएल नीलामी से पहले इरफान पठान भारतीय टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए थे 2007 का, और फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच भी थे। इसी वजह से उनकी डिमांड बहुत थी आईपीएल ऑक्शन में, और उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब, जो उस टाइम पे थी, अभी तो पंजाब किंग्स हो गई है, उन्होंने $900,000 में खरीदा था। तब डॉलर्स में बोली लगती थी। उन्होंने उस सीजन 14 मैचेस में 15 विकेट चटकाए थे और 131 रन बनाए थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली रेडेबल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से भी आईपीएल खेला। 2017 के सीजन में गुजरात लायंस की ओर से खेलते हुए उनका आईपीएल करियर खत्म हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा भी पहले आईपीएल सीजन में काफी महंगे बिके थे। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को 2008 के आईपीएल सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने काफी महंगी बोली लगाकर खरीदा था। उस सीजन में ईशांत ने महज 8 विकेट चटकाए थे। इसके बाद साल 2013 में सनराइजर्स की ओर से खेलते उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी और 15 विकेट चटकाए थे। कुछ सीजन वो उतना अच्छा प्रदर्शन T20 क्रिकेट में नहीं कर पाए, उन्हें एज अ टिपिकल टेस्ट गेंदबाज के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन 2018 के सीजन में अनसोल्ड रहने के बाद 2019 के आईपीएल में ईशांत को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद लिया। वर्तमान में ईशांत शर्मा भारतीय टेस्ट टीम का नियमित हिस्सा है। अब बात करें नंबर 1 की, तो नंबर 1 पे वो खिलाड़ी आता है जिस पर सभी टीमों ने बोली लगाई थी। 2007 को भारत का पहला T20 विश्व कप जिताने वाले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। धोनी 2008 के आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें $1.5 मिलियन में खरीदा था। पहले सीजन में धोनी ने 16 मैचेस में 133.5 के स्ट्राइक रेट से कुल 414 रन बनाए थे। भारत को साल 2011 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले धोनी अभी तक सीएसके की कप्तानी कर रहे हैं। वो 2008 से 2022 तक सीएसके के कप्तान हैं। धोनी की कप्तानी में 2008 में सीएसके फाइनल तक तो जरूर पहुंचा, लेकिन खिताब नहीं जीत पाया। लेकिन धोनी ने अपनी कप्तानी में फिर चेन्नई सुपर किंग्स को 4 बार चैंपियन बना दिया। 2010 में, 2011, 2018 और 2021 में MS धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन आईपीएल में वो अभी भी सीएसके के साथ जुड़े हुए। तो ये थे वो 3 भारतीय खिलाड़ी जिन पर सबसे ज्यादा बोली लगाई गई 2008 पहले आईपीएल ऑक्शन में। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर आप भी क्रिकेट के फैन तो हमारे चैनल की वीडियोस जरूर चेक करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।